Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and a very warm welcome to Evening With Shireen. Umeed hai Allah Ta'ala se dua hai aap log sab khairiyat se honge aur intezaar mein honge aaj ke show ke. Thodi si maazrat chahti hoon, thodi si kuch delay ho gayi, lekin alhamdulillah everything is okay, I am fine. To aaj chunki jumerat wala din hai, jume ki raat hai, itne pyare din hai, itna pyara mahina hai, bahut hi badi raatein hain aage do teen. तो आइए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं. हो सकता है मेरे इस वक्त इस शो में पूरी दुनिया देखती है तो कोई ना कोई एक नेक बंदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह ताला, जिसकी आमीन से हम सब का अल्लाह ताला बेड़ा पार कर देंगे. आमीन अल्लाहुम्मा आमीन. अल्लाह ताला हम सब के सगीरा कबीरा गुनाह जाने अनजाने गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए. हमने बहुत गुनाह किए हैं अल्लाह, लेकिन आप रहमान हैं. आपका कहना है कि तुम मुझसे माफ़ी मांगो, मैं माफ़ करूंगा. तो अल्लाह ताला हम सब आपसे माफ़ी मांग रहे हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा के हम सबसे राज़ी हो जाइए. अल्लाह ताला आप सबसे राज़ी हो जाइए, मुझसे भी राज़ी हो जाइए. या अल्लाह ताला हम सबको कब्र के अज़ाब से बचाना, जहन्नम की आग से बचाना. अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा जनी मिनन नार. अल्लाह ताला इतने बड़ी रातें हैं, इतने प्यारे दिन हैं. आपने फरमाया है कि इन इस ख़ास 7, 8, 9, 10 ज़िलहज को अपनी औलाद के लिए दुआ मांगो. मैं कबूल करूँगा या अल्लाह. मैं सब की औलादों के लिए दुआ करती हूँ, उसके सदक़े में मैं अपनी औलादों के लिए दुआ करती हूँ. या अल्लाह सब माओं की गोदों को ठंडा रखना, किसी किस्म के गम आजमाइश परेशानियों में मुब्तला ना करना. या अल्लाह आप ही ने ये हमें इतना प्यारा तोहफ़ा दिया है. अल्लाह ताला आप उसकी हिफाजत फरमाना, आप हमारे बच्चों को नेक बनाना, पंच वक्ता नमाजी बनाना. या अल्लाह ताला हमारा क़दरदान बनाना, हमारा चाहने वाला बनाना. या अल्लाह हमारी औलादों को नेक नसीब करना. या अल्लाह जो बच्चे जिन गैर शादीशुदा है उनका नेक बनने एक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पढ़वा दीजिए. अल्लाह ताला नेक लोग मिलवा दीजिए. या रहमान रहीमीन किसी किस्म के गम आजमाइश परेशानी बीमारियों में हमारी औलादों को मुब्तला ना करना. या अल्लाह बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं. या अल्लाह मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए. या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए. या अल्लाह बहुत सारे हाजी हज पे गए हुए हैं, आप उनका हज कबूल और मकबूल फरमा के उनको साथ खैरियत तंदुरुस्ती सलामती खैर आफियती के साथ अपने घर वालों के पास पहुँचाए हो. या अल्लाह बहुत सारे लोगों के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं. या अल्लाह आप सबको गुनाहों को माफ़ फरमा के सबको जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मुकाम अता फरमा दीजिए. या अल्लाह बहुत सारे लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, ज़िंदगी और मौत की कशमकश में. या अल्लाह आप सबको कामिल सेहत और शिफा दे दीजिए. या अल्लाह वेंटिलेटर पे डाल के मौत ना देना, डायलिसिस पे डाल के मौत ना देना, कोमा की हालत में मौत ना देना. सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमा दीजिए. या अल्लाह कैंसर से बचा के रखना. या रहमान रहीमीन कैंसर से बचा के रखना. या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए. हमारे शहर कराची पर, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए. या अल्लाह बे औलादों की गोदों को भर दीजिए. बहुत सारी बच्चियाँ तड़पती हैं या अल्लाह इस प्यारी सी नेमत के लिए. या अल्लाह आपके लिए तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. या अल्लाह सबकी गोदों को भर दीजिए. या अल्लाह रिस्क हलाल में बरकत दीजिए. या रहमान रहीमीन रिस्क हलाल में बरकत दीजिए, सेहत अता फरमा दीजिए. या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा दीजिए. आमीन 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 या रहमान रहीम. जी जनाब, आज झटपट रेसिपीज़ हैं, इतनी इजी रेसिपीज़ हैं. इंशाल्लाह कोशिश है मेरी हम 7:15 फ्री हो जाएंगे. फिर हमारे साथ शो पे गेस्ट हैं शाइस्ता, जो कि मेमी वीक में आई थी, ज़बरदस्त डिशेस बनाई थी. तो वो हैं, शी इज़ अ हैप्पीनेस कोच. वो क्या होता है, वो तो जब आएंगी मैं उनसे आपसे बातें करेंगे. बहुत सारी
बहुत प्यारी सी दोस्त है मेरी और हमारी मुलाकात को कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ है, मे बी शायद 4-5 महीने से वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और वेरी नाइस लेडी, वेरी नाइस फ्रेंड, वेरी नाइस सिस्टर, जो भी आप कहें। और वाकई में वो आपको इतनी अच्छी तरीके बताएंगी कि बस खुश रहें, इसलिए कि बहुत छोटी सी दुनिया है, हम बिला वजह टेंशनों में लग जाते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, इसकी फ़िक्र, उसकी फ़िक्र, बच्चों की फ़िक्र, बच्चों के बच्चों की फ़िक्र, दामादों की फ़िक्र, बहन भाइयों की फ़िक्र, हर चीज़, हर चीज़, घर की फ़िक्र, नौकरों की फ़िक्र, सब भूल जाएं, अपनी फ़िक्र करें बस। लेकिन मेरे लिए तो ये इम्पॉसिबल है, आई डोंट नो, देखूँगी क्या कहती हैं, किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। आज बनने जा रहा है चंकी स्ट्रॉबेरी मूस, वेरी क्विक, वेरी सिंपल रेसिपी। अगर आपके पास सामान है, 5 मिनट की रेसिपी है। ठीक है, मैंगो का सीज़न है, मैंगो से बना लीजिए चंकी मैंगो मूस। पीचेस, बड़े बड़े पीचेस आए हुए हैं, आड़ू, ठीक है, उनसे बना लीजिए चंकी पीच मूस कर लीजिए। सेम रेसिपी को फॉलो करें। आपको करना क्या होगा, इस जो फ्रूट आप ले रहे हैं उस फ्रूट के फ्लेवर की आपको जेली लेनी होगी और वो फ्रूट लेना होगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहले बनाएंगे चंकी स्ट्रॉबेरी मूस, फिर बनाएंगे चिकन गोजॉन्स। ये मैं आपको आज इसलिए सिखा रही हूँ कि ये ईद से 2 दिन पहले बना के डब्बा भर के बहुत सारे फ्रीज़र में डाल दो। जब भी आपके घर ईद पे मेहमान आए, गोश देख देख के सर फिर जाता है, तो ये वाली रेसिपी आपकी रेडी होगी। गोश्त चिकन की आपने फ्रीज़र से निकालना है, फ्राई करना है और इन्जॉय करवाइए। इसके साथ आप बहुत सारे फ्रेंच फ्राइज़ तल लीजिएगा, कोल्ड स्लो सैलड बना लीजिएगा और बनेगा गुलाब का शरबत आपके मेहमानों को गर्मी में सर्व करने के लिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, हमें चाहिए जेली, ये मुंह में आएगी, बड़ा अच्छा लगेगा, सेट करिएगा 1 कप पानी में और जैसा तैसा काट लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको बहुत अच्छे क्यूब्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको अब हम लेंगे इसके लिए स्ट्रॉबेरी प्यूरी 2 कप, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज की हैं, आई मीन फ्रेश स्ट्रॉबेरीज थी लेकिन नाउ दे वर फ्रोजन, मैं फ्रीज कर लेती हूँ स्ट्रॉबेरी के सीज़न में। तो आप कोई भी फ्रूट जो यूज़ करेंगे वो फ्रेश होना चाहिए। अच्छा, जेलेटिन 1 टेबलस्पून हमें डिसॉल्व करना है। ब्रेक आ चुकी है, चलें जी ब्रेक लेके वापस आते हैं और आते ही इसको बस सब कुछ साथ डालना है, बीट करना है, बिस्किट्स ग्लासेस में डालेंगे, उसके ऊपर ये पोर करेंगे, सेट करने रख देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। अच्छा, अब देखें, गौर से सुन लीजिए, चंकी स्ट्रॉबेरी मूसी मैंने 6 कप्स ले लिए, 6 ग्लासेस ले लीजिए, 6 शॉर्ट ग्लासेस, 12 शॉर्ट ग्लासेस ले लीजिए, मर्जी आपकी। ठीक है, यहाँ मैंने जेलेटिन में जेली मिला दी है, जेलेटिन डिसॉल्व की भी इसी के अंदर है और ये जो जेली आपके सामने थी वो इधर है। ठीक है, अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ 2 कप चॉपराइज स्ट्रॉबेरीज। इसमें कोई एसेंस नहीं जाएगा, कोई कुछ भी नहीं जाएगा, कलर नहीं जाएगा, बिकॉज जो जेली है उसमें एसेंस होता है और फ्रेश फ्रूट का अपना जायका होता है, उसको हमें ख़राब नहीं करना है। थोड़ा सा बीट कर लीजिए ताकि जेली ज़रा सी क्रश हो जाए। आज का सवाल, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा है? ठीक है, ये आज का सवाल है और
आपको मसाला EWS लिख के अपना नाम, अपना पता, अपना शहर का नाम लिख के अपने NIC कार्ड नंबर के साथ सेंड कर दीजिए। कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कंडेंस मिल्क 3/4 टिन, मीठा इसी से होगा, कोई चीनी नहीं है। बिस्किट कोई से भी ले लीजिए, क्रश करके आपने उस पर डाल दिए, मक्खन शक्खन कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लेन बिस्किट्स हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं प्यारी से आपा? अल्लाह का शुक्र है बेटा। बहुत प्यारी लग रही है, आज मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ आपने। थैंक यू बेटा, थैंक यू। और जो है इतनी प्यारी रेसिपीज बना रही हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि ईद का मौसम, ईद के दिन आ रहे हैं। जी जी, इसीलिए तो ना आसान आसान चीजें जरूरत है। बिल्कुल जी। और मैं क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। जी दीजिए। हफीज जारेंद्र जी ने। ठीक है मेरी जान, बहुत शुक्रिया। और मैं आज विन करना चाहूंगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा हो गया। दुआ करें, जानेमाज पे बैठें, जो अल्लाह का हुक्म। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बस हो गया, पीता आपको तैयार। खा क्या बताइए। क्रीम आपकी 2 पैकेट है टेट्रा पैक की, बीट कर लीजिए। थोड़ी सी मैंने बचा ली है इसमें से, पूरी 2 पैकेट नहीं ली थी, थोड़ी सी बचाइए पाइपिंग बैग में ऊपर डेकोरेशन के लिए। डन। बता दिए आपको शुरू में, जो फ्रूट आपको पसंद है उससे आप बना लो। कॉलर है हमारे साथ शबाना फ्रॉम मुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपा जी, आज बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह, आपने बहुत प्यारे बहुत प्यारा कलर पहना हुआ है। थैंक यू जी, थैंक यू। आप लोग सोचेंगे आज आपा को अच्छा प्रोग्राम आ रहा है, बहुत जबरदस्त मीठा सिखा रही हैं आप। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग तारीफ करते हैं, हमारा खून बढ़ाते हैं। सवाल का जवाब भी दूंगी। जी दीजिए। जलंधरी। ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत से नवाजे। आमीन आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। आप खाएंगे ये, फिर आप मुझे बताएंगे ये कैसा है। यू विल लव इट। और वो जेली के जो पीसेस मुंह में आते हैं। अगर आम से या जो आजकल फ्रूट सीजन में है, आम है, पीच है, उससे बना रहे हैं ना, थोड़ा सा चमकी रखिएगा फ्रूट को, मुंह में फ्रूट के पीसेस भी आने चाहिए और अच्छा लगता है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो। कोई भी नहीं। इसको आप चिल करने के लिए कहाँ पे बेटा? अच्छा इधर। ओके, ऐसे 8 ग्लासेस बन जाते हैं और शॉर्ट ग्लासेस में बना रहे हैं तो 12 बनेंगे, 12 से भी ज़्यादा बने। कहाँ बेटा? इधर ना। हाँ मैंने देख लिया है, मैं पूछती हूँ। चलें जी। अस्सलामुअलैकुम साजदा। हेलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम आंटी, कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है बेटा, आप सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है आंटी, पहले से बहुत बेहतर हूँ। बहुत अल्लाह का करम है, ग्रेट।
आंटी आप कैसी हैं? आपकी तबीयत सही है? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह इतनी अच्छी चीज बना रही हैं आंटी, दिल कर रहा है खाने का। फिरोजा को बोलिएगा बना के खिलाएगी। जी फिरोजा, फिरोजा देख रही है, रेसिपी लिख रही है तो वो बनाकर खिलाती है। बिल्कुल आंटी, आपके क्वेश्चन का आंसर देना है। जी दीजिए। हफीज जालिंद्री। ठीक है, नोट कर लिया साजदा, बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने का, जीते रहिए। अच्छा जी, इसी के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, इसको मैं फ्रीजर में डाल रही हूँ और ब्रेक से वापस आएंगे, आके स्टार्ट करेंगे चिकन गोजॉन्स। स्टे विद मी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और आज चूँकि शो इतना ईजी है, इतना आसान है, इतना रिलैक्सिंग है, तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी प्यारी सी दोस्त शाइस्ता को आप लोगों से मिलवाऊँगी। और मिलाने से पहले आपको एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ, देखें मैं ये समझती हूँ खुशी हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, और वो मैं ये समझती हूँ कि हमारी ज़िंदगी से दूर हो चुकी है। आई डोंट नो व्हाई, या तो हम बहुत स्ट्रेसफुल रहने लगे हैं, हर किस्म की परेशानियाँ अपने ऊपर तारी की हुई हैं मैंने, और आई एम श्योर मेरी तरह सब आएंगे बहुत है, ठीक है। और ये ख़ास कर ये औरतों के अंदर है, ये औरतों के, आदमी तो मैं देखती हूँ इतने रिलैक्स हैं, कुछ भी हो जाए शो भी नहीं करते, अगर होती भी होगी परेशानी, लेकिन हम लोगों की तो मेरी तो शक्ल पे आ जाता है जिस दिन मैं परेशान होती हूँ, और आप लोग पहचान जाते हैं। और बच्चों में है, बेटियों में, और यंगस्टर्स लाइक टीनेजर्स में है, ठीक है। तो एवरीबडी इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस। तो शाइस्ता और मैं एक जगह हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, शाइस्ता मुझे बहुत अरसे से कह रही है तो मेरे पास आओ ना मैं तुम्हारा इलाज करूँगी, लेकिन वो इलाज की नौबत आज तक नहीं आई। तो मैंने सोचा मैं इनको बुलाती हूँ अपने शो पे, ताकि ये मुझ जैसे तमाम ख्वातीन का इलाज यहीं से बैठे बैठे करें। वेलकम टू माई शो शाइस्ता। आपका क्या हाल है? चले, यू आर ऑलरेडी स्माइलिंग, सो ये अच्छी बात है। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि आप ऐसी खुश कैसी नजर आती हैं? हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खुश, मैं आपको एक सीक्रेट रेसिपी बताऊं? हाँ। आप तो सबको रेसिपीज बताती हैं, लेकिन मेरी जो रेसिपी ना सीक्रेट है। हाँ, मुझे लेकिन पता है। सिर्फ आपकी वजह से मैं वो शेयर कर रही हूँ सबके साथ, ठीक है ना। अब आप हंसिएगा नहीं, लेकिन क्योंकि उसमें आप, अगर आपको खुश रहना है तो आप उसमें क्या लेंगे, 5 चीजों का इंग्रेडिएंट, ठीक है। 1 कप सबर, ठीक है। 2 कप हिम्मत, ठीक है। 3 कप क्या है आपके ख्याल में? शुक्रगुजारी। 4 कप क्या? इताअत। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है समझौता। वही तो नहीं है जी? तो जब आप समझौता जिंदगी के साथ नहीं करेंगे तो खुशी कहाँ से आएगी? अब आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लेके उनको रोज सुबह ये सब मिलाएंगे 2 अपनी जहानत के साथ, जो आपका इंटेलिजेंस, जो आपकी विजडम है, उसके अंदर मिलाएं ये 5 इंग्रेडिएंट्स को, और फिर अपने आप की शक्ल आईने में देखें और कहें कि आज कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को खुश रखूँगी। आप एक दफ़ा कोशिश करके देखें, सिर्फ यही नहीं बल्कि आप साथ साथ में, और ये अगर आप मुझसे पूछ लें, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैंने अपने आप पर किया है। जब आप ये करेंगे साथ में, बिकॉज मेरा थोड़ा सा रिलीजियस कॉनोटेशन ज़्यादा है, मैं हमेशा सूरह फातिहा की 2 आयतें, या कना बदु या कनस्तीन अहदना सरातल मुस्तकीम, या अल्लाह तू हमें सीधा रास्ता दिखा, वो रास्ता दिखा जो हमारे हक में बेहतर है। तो जब आप ये कह के आप रोज़ सुबह उठेंगे
तो मैं आपको गारंटी कर रही हूँ आज कि इससे बेहतरीन खुशी आपका दिन उससे बेहतर खुश नहीं हो सकता। एक दफ़ा कोशिश करके देख, एक दफ़ा मेरा ये नुस्खा आजमाएं। आपने शिरीन आपा के बहुत सारे नुस्खे आजमाए, बढ़िया कुछ, लेकिन एक दफ़ा ये खुशी का नुस्खा मेरे साथ मिलके आप आजमा के देखें। इट्स ऑल इन योर माइंड, आपके दिमाग में है ये सारी चीज़ें। आपको अपने दिमाग, आपको रोज सुबह उठ के अपने आप को ये कहना, और इतनी चीज़ें हैं शिरीन मैं आपको बता नहीं सकती जिसकी वजह से आप खुश रह सकते हैं, लेकिन हम वो भूल गए। हम छोटी छोटी खुशियाँ भूल गए हैं इस दुनिया में, जो छोटी चीज़ें खुश, बड़ी चीज़ें। अब 4 साल की 5 साल की बच्ची है, वो मुझे कह रही है कि दिस फ्रेंड ऑफ माइन इज़ इन स्ट्रेस, उसको टेंशन है। 4 साल की बच्ची मुझे कह रही है स्ट्रेस है, टेंशन है, ये क्यों? क्योंकि वो घर में ही सुनते हैं। हम बच्चों का चाइल्डहुड छीन रहे हैं उनसे, और फिर कहते हैं डिप्रेशन है, ये है, वो है। मैं तो आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर एवर। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैंने सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी देखी। ओहे तुम कनाडा से यहाँ क्यों आ गई हो, यहाँ हैप्पीनेस सारी निकल जाएगी तुम्हारी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि मैं यहाँ आई हूँ ना, तो ये मैं माइंड सेट लेके आई हूँ कि मैं जितनी खुश मैं हूँ ना, उससे ज़्यादा खुशियाँ मैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान सिर्फ वाहिद मुल्क नहीं है, पूरी दुनिया में इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है। सही। कोई एक शहर बता दें मुझे, कोई एक मुल्क बता दें जहाँ आप कह सकते हैं, वो जो क्या हॉलैंड कहते हैं या नेदरलैंड्स ले लें आप, यहाँ सब कह रहे हैं कि यू नो इट्स द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन वहाँ पे सुसाइडल रेट देखा है आपने कभी? शर्मा सुसाइडल रेट, लोग कितनी खुदकुशियाँ कर रहे हैं, जितनी जित अब वो कहने को क्या बात है कि सबसे ज़्यादा खुश मुल्क जो है वो नेदरलैंड्स है या डेनमार्क, हाँ, नॉर्वे। तो लेकिन सबसे ज़्यादा सुसाइडल रेट वहीं है। तो क्या वजह है, ये क्या वजह है कि हम छोटी छोटी खुशियों को इग्नोर कर रहे हैं और बड़े बड़े इश्यूज को लेके नेगेटिव एनवायरनमेंट रहे हैं? आप समझौता करें अपनी ज़िंदगी के साथ कि जो भी है इसमें मैं किस तरह खुश रह सकूं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये आपको याद है मैं शुरू में आई थी, सबने ये कहा था भाई बिजली नहीं है, पानी नहीं है, 2 दिन में सारी खुशी निकल जाएगी तुम्हारी। मेरी खुशी तो नहीं निकली, मुझे कितने महीने हो गए यहाँ आए हुए। क्यों? क्योंकि मैं उस माइंड सेट से आई थी, मैंने दिमाग बना लिया था कि कम वॉट में मैं यहाँ आई हूँ। मेरा पर्पस यहाँ आने का कुछ और था, मेरा पर्पस मेरी अम्मी है, और मेरे लिए उनकी एक स्माइल, इससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें लेके चलेंगे ना, तो बड़ी बड़ी वो कहते हैं ना यू कैन मूव माउंटेंस, लेकिन एक कोशिश तो करें, एक दफ़ा अपने आप को ये चांस दें। हम अपने आप के साथ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं और अपने आप को इतना रिजिड बना लिया है कि वो रूम फॉर क्या कहना चाहिए, एन्जॉयमेंट या टू एन्जॉय व्हाट गॉड हैज़ गिवन यू, नेमतों का शुक्र जी। नेमत अल्लाह ने हमें इंसान की सूरत में, हमें हम अल्लाह की तरफ से एक अमानत है। क्या हम इस अमानत का ख्याल कर रहे हैं? क्या हम ठीक है पॉलिटिकल पार्टी हो रही है, पॉलिटिक्स इधर चल रही है, इश्यूज उधर चलने दें, उससे आप अपनी ज़िंदगी जिस चीज़ जहाँ आपकी जो रिस्ट्रिक्शन में जो है, आप अपने घर का माहौल तो सही रख सकते हैं ना। चलें 2 रोटी नहीं खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, लेकिन सुकून की रोटी तो खाएंगे। पैसे से खुशी आ गई जी, कंटिन्यू आफ्टर द ब्रेक, मज़ा आ रहा है ना? बस तो देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, वापस आते हैं मज़ीद इसको कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद जी जनाब, वेलकम बैक, बैक टू शाइस्ता जी। शाइस्ता जी बताइए। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत डिसअपॉइंटेड हैं पाकिस्तान के साथ, और यही कहते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बेहतरी नहीं आई है नए पाकिस्तान में, आप क्या कहेंगे? मैं आपको बताऊं, जब मैं आई थी कराची, तो सबसे पहले लोगों ने मुझसे ये सवाल किया कि आपको नया पाकिस्तान कैसा लगा। तो मुझे एक सेकंड लगी समझने की, मैंने कहा मुझे तो नया पाकिस्तान नहीं चाहिए, मुझे तो बेहतर पाकिस्तान चाहिए। मैं 22 साल बाद वापस आई हूँ इस मुल्क में, और मैं सिर्फ़ बेहतर पाकिस्तान के लिए आई हूँ, और मैं
आपको ये बताऊं कि हर बंदा यहाँ पे, आप किसी को ले लें जिसको कुछ पॉलिटिक्स के बारे में पता है, नहीं पता है, उसने कभी कुछ सुना है, नहीं सुना है, उसकी खुद अपनी ज़िंदगी ज़ीरो है, लेकिन उसने ज़रूर अपना एक भाषण देना है, उसने ज़रूर कहना है ओ उसको तो ऐसे करना चाहिए था, उसको तो वैसे करना चाहिए था, ये होना चाहिए, ये डिसअपॉइंट किया हो। भाई तुम उनको एक चांस तो दो। वो जिस, अगेन मैं कोई पीटीआई से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई सियासी जमात से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, एज एन ऑब्जर्वर, एज अ बर्ड्स आई व्यू, एक मौका तो दें आप लोगों को, एक चांस तो दें। आपके पास क्या ऑप्शन था, आपके पास या जो भी ऑप्शन था, मैं कोई नाम नहीं लूँगी, लेकिन एक चांस तो दें। अब वो आए हैं, आप उनको मौका दें। लेकिन ये कहना कि नया पाकिस्तान नहीं, मुझे नया पाकिस्तान नहीं चाहिए शरीन, मुझे बेहतर पाकिस्तान चाहिए। और उस बेहतर पाकिस्तान के लिए क्या करना है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मुझे सबसे पहले अपने घर को सीधा करना है, मुझे सबसे पहले अपने मोहल्ले को सीधा करना है। मैं करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता खुद, कुछ चीज़ें नहीं हो रही तो नहीं करें तो हम तो करें। अगर हमारे घर के बाहर कचरा नहीं उठ रहा तो हम उठ के वो कचरा जहाँ जाना, घर से बाहर तो जाते हैं ना, उठा के लेके चले जाएं। एक कोशिश तो करें, एक टेक वन स्टेप एंड ऑटोमेटिकली पीपल विल फॉलो सूट। एक मौका तो दें। तो नया पाकिस्तान क्या होता है, नहीं चाहिए हमें, हम हर चीज़ दूसरों पे डालते चले जाते हैं, वो चीज़ होती और ये है। नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। कोई कंट्री बता दें आप, मैं बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों का बड़ा शौक है ना कि भाई मुझे आप कनाडा से आए, मुझे कनाडा ले जाएं। जब मैं जब भी कोचिंग करती हूँ किसी को, सबसे पहला जो वो आप कनाडा से आई हैं, आप मुझे कनाडा ले जाएं, आप मुझे ले जा सकती हैं कनाडा। मैंने क्या कहा था आपसे? मैंने भी यही कहा था, शायद से चले मुझे लेके वहाँ रेस्टोरेंट खोलते हैं। मैं आपको कहती हूँ यहाँ रेस्टोरेंट खोलते हैं, यहाँ जो मैं आपको बता दूँ कि इतने साल बाद आने के बाद आई विश कि मेरे पास ये जो एनर्जी आज है, वो मुझे 20 साल पहले ये चीज़ें पता होती हैं तो शायद मैं जाती ही नहीं। लेकिन मुझे कुछ चीज़ें नहीं मालूम थी, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे, लेकिन पाकिस्तान से बेहतर मुल्क नहीं है। जो आपका मुल्क है वो आपका मुल्क है, ये आप अपने जहन में बना लें। अगर कनाडा जाके या अमेरिका जाके या यूरोप जाके आप बाथरूम धो सकते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं धो सकते आप? अपने घर में क्यों आप वो काम नहीं कर? वहाँ तो कचरा फेंकना मैंडेटोरी है कि आपने वहाँ से, तो प्लास्टिक भी अलग करनी है, तो ये भी अलग करना है, और कचरे में घुस घुस के चीज़ें निकाल के अलग अलग करके करते हैं ना, क्यों? क्योंकि दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। लेकिन यहाँ आके नहीं, मैं नहीं कहूँ, गवर्नमेंट को करना चाहिए, नहीं करती गवर्नमेंट। आप छोड़ दें गवर्नमेंट को, आप अपने हिसाब से तो चलें। अपनी ज़िंदगी को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, वो सिर्फ आप कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं शायस्ता, अगर जिस तरह प्रॉब्लम्स होती हैं बहुत सारे घरों में लोगों को, तो हाउ कैन दे कम ऑफ दोज प्रॉब्लम्स? हम उसी स्ट्रेस में, अच्छा अभी बड़ी अच्छी बात शायस्ता ने बताई थी कि जो स्ट्रेस की और परेशानी की जो असल चीज़ है ना, दैट लीड्स यू टू कैंसर। एग्जैक्टली, आपको मैं बताऊँ कि हम हर बंदा ये पूछता है मैं खुश रहने के लिए क्या करूं, क्या ऐड करूं अपनी ज़िंदगी में। मैं आपको कहती हूं कि आप क्या सब्ट्रैक्ट करें अपनी ज़िंदगी में, वो चीज़ें निकाल दें जो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बनाती हैं। और नेगेटिविटी आपको बताऊं कि नंबर वन कॉज ऑफ डिप्रेशन इज़ नेगेटिविटी, और डिप्रेशन इज़ वर्स देन कैंसर। वो स्लो पॉइजन है, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म के अंदर फैल के एक दिन या तो आप खुद मर जाएंगे या आप सुसाइड कमिट करेंगे। डिप्रेशन से वर्स्ट कोई बीमारी नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? खुशी चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं? देयर इज़ अ प्राइस, आपको पता है ना, कोई चीज़ बगैर कोई प्राइस पे किए हुए मिलती नहीं है, ठीक है? तो कुछ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और जो जो आप खो रहे हैं उसमें ये मेरा मकसद नहीं है, अच्छा मुझे शायस्ता अच्छी नहीं लगती उसको निकाल के मैं फेंक दूँ, नहीं। देयर इज़ अ फाइन लाइन दैट यू ड्रॉ बिटवीन सेल्फ लव एंड बीइंग सेल्फिश। आप इस पे एक लाइन ड्रॉ कर लें कि मेरे लिए बेहतर क्या है, मैं सेल्फिश हो जाऊँ या मैं सेल्फ लव में वो करूँ जो मेरे लिए बेहतर है। थोड़ा सा कुकिंग की तरफ आ जाऊं, देन वी कंटिन्यू, ठीक है? अच्छा, गोजॉन्स की तरफ आ रही हूँ।
यहाँ पे मेरे पास ड्राई मैदा रखा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ब्रेड क्रम्स रखे हुए हैं, दोनों को मुझे सीजन करना है, ठीक है। ब्रेड क्रम्स में भी हम डालेंगे नमक, मैदे में भी हम डालेंगे नमक 1-1 टीस्पून, ब्लैक पेपर ब्रेड क्रम्स में भी जाएगा और मैदे में भी जाएगा। इतनी आसान रेसिपी है ये। चिकन पाउडर जाएगा आपका ब्रेड क्रम्स में, नहीं सॉरी मैदे में, चिकन पाउडर भी चला गया मैदे में। उसके बाद हमें चाहिए पार्मेसियन चीज़, ये बाद में जाएगी। अच्छा, अब हमें करना क्या है, मैदे में ये मैदे को आपने चिकन में डाल के कोट करना है ड्राई फ्लावर से, बहुत आसान रेसिपी है एंड यू कैन फ्रीज दिस, ठीक है। इसको हमने डाल दिया, अब हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स में आपको मिक्स करना है नमक, ब्लैक पेपर डाल दिया है मैंने, आपका गार्लिक पाउडर भी चिकन में जा रहा है मैदे में, सॉल्ट पेपर एंड गार्लिक पाउडर, ठीक है। अब दो अंडे हैं हमारे पास, उसको हम बीट करेंगे। चिकन को उठाएंगे मैदे में से, अंडे में हम चिकन को कोट करेंगे, ब्रेड क्रम्स में रोल करेंगे और फ्राई करेंगे। दैट्स इट, सो सिंपल। सर्व इट विद फ्राइज, यू कैन फ्रीज इट। बैटर, फिर बैटर बनाइएगा आप, बैटर बना के बगैर अंडे के बना सकते। बिल्कुल, आप मैदा, कॉर्नफ्लावर और थोड़ा सा 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऑयल, लिटिल बेकिंग पाउडर एंड चिल्ड वाटर। टेम्पूरा बैटर जैसा बना के एंड देन उसमें मेरा जो ग्रैंडसन है उसको बहुत सीवियर एलर्जी है, उसको चिकन इतनी पसंद है लेकिन वो इसी वजह से नहीं खा सकते, बिकॉज़ हर जगह पे। नो नो, इट्स ओके, यू अवॉइड इट, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम शगुफ्ता जी। वालेकुम अस्सलाम आपा जानी, कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, अल्लाह आपको नजर से बचाए, हमेशा आपको सलामत रखे और अल्लाह ताला तंदुरुस्ती दे, आपको खुशियां दे। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ इतनी आपको सेहत दे, इतनी आपको सेहत जिंदगी दे कि आप इसी तरह आती रहे। और आज आप माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, आपको इतनी आज अच्छी लग रही है प्यारी हमेशा की तरह, और जिस तरह आप अच्छी चीजें बनाती हैं इसी तरह आज आप बहुत प्यारी लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सोच रहे होंगे आपा किसकी शादी में जा रही है। नहीं, आपा नहीं है कि शादी नहीं, आज एक्चुअली हमारा ईद शो था। अच्छा लगता है यहाँ पर, ये जिंदगी इंसान की, जिंदगी में इस तरह रहना चाहिए इंसान को, अच्छा लगता है, लाइफ है आपकी अपनी यहाँ पर, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है बुराई वाली, बस आप लोगों का प्यार है। थैंक यू सो मच। और आपा मैं आपको सवाल के जवाब भी दे जरूर दीजिए। पाकिस्तान का तराना, कौमी तराना जो आखिर जलंधरी ने लिखा था, ठीक है ठीक है जी। अल्लाह पर आपको जिंदगी से दे, आप आते रहे और अल्लाह ताला खुशियां दे आपको, और मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को, 14-10 आ रहे एडवांस में और ईद भी आ रही है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू जी, आपको भी बहुत मुबारक हो, जजाकअल्लाह, खुश रहिए। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, एक तो आपने उठाया अंडे में डिप किया, सीजनड ब्रेड क्रम्स में रोल किया और डायरेक्ट डाल दिया, ठीक है। दूसरा तरीका यह है, इसको उठा के अपने हाथों के बीच में रोल कर लें। दिस इज़ द एक्चुअल शेप ऑफ गुजॉन, ठीक है। और उस तरह करके आप बिल्कुल ट्रे में फ्रीज कर लीजिए, सिंगल लेयर में। जब वो फ्रीज हो जाएगा तो फिर आप डब्बे में डाल के उसको आराम से रख सकते हैं। ब्रेक आ चुकी है जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और हम गुजॉन्स फ्राई कर रहे हैं। गुजॉन्स को आप बिल्कुल फ्रीज भी कर सकते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। सर्व देम स्प्रिंकल्ड विद पार्मेसियन चीज़ एंड सर्व इट विद स्वीट चिली सॉस, चिली की।
बच्चों की ईद होती है यार, फिर से बनाएं। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप बताओ? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, आपकी रेसिपी भी ट्राई करती हूँ। अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप जानी सवाल का जवाब देंगे? जी दीजिए, जरूर दीजिए। हाफिज जल्दी। ठीक है जी, ठीक है। अल्लाह हाफिज आपा। अल्लाह हाफिज बेटा, थैंक यू। ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था, नॉट रियलाइजिंग व्हाट आई एम डूइंग, बट एक्चुअली गोजॉन्स ये है, शेप ऐसा है। पार्मेसियन चीज। अच्छा मुझे, मैं ये फ्राई करके निकाल रही हूँ, फिर मेरी आज की जो फाइनल रेसिपी है वो है गुलाब का शरबत। ये गुलाब का शरबत ख़राब नहीं होता, बाहर पड़ा रहे ख़राब नहीं होता। आपको सबने पहले लेना है 750 ग्राम्स ऑफ शुगर, 3 पाव चीनी। ये मैं मसाला मॉर्निंग्स में सिखा चुकी हूँ। और इसमें हम शामिल करेंगे पानी 1.5 कप, और इसको हम कुक करेंगे जब तक के चीनी डिसॉल्व हो जाए और आपका शीरा थोड़ा सा थिक हो जाए। 1 तार और 2 तार नहीं चाहिए हमें, बस मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा शीरा गाढ़ा हो जाए। जब शीरा गाढ़ा हो जाएगा हम चूल्हा बंद करेंगे और इसमें हम रेड कलर डालेंगे और फिर हम इसमें अर्क के गुलाब डालेंगे 1 कप, 3/4 से 1 कप, एनी गुड ब्रांड का आप अर्क के गुलाब दे के वो डाल, बस दैट्स इट। ठंडा करें, बॉटल्स फिल करें और इन्जॉय करें पानी के साथ। शाइस्ता, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जी। बात ये पूछनी है, ठीक है, हमें तो जो स्ट्रेस है होता है, यू नो वी टेक इट, बट मुझे बच्चों को देख के बड़ा आजकल के एहसास होता है कि बच्चों के लिए क्या करना चाहिए। हाउ डू वी डाइवर्ट द माइंड? हम घर का माहौल, मैंने अभी आपको बताया, वो छोटी सी बच्ची, 4 साल की बच्ची जो है वो कह रही है कि टेंशन में, मेरी दोस्त स्ट्रेस में है। स्ट्रेस, टेंशन, ये अल्फाज एक 4 साल की बच्ची पे सूट करते हैं, क्या ये सही है? तो हम एज पेरेंट्स, माँ बाप, माँ, सबसे ज़्यादा माओं की को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हम टेक केयर करते हैं ना आईफोन को, कैसे हम चार्ज करते हैं, सही से लगाते हैं, हर टाइम उसका ख्याल करते हैं, इसी तरह अपना आय का भी ख्याल करें और उस आय को ख्याल करने में आप अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। और ये देखें कि सिर्फ बच्चों के हाथ में फ़ोन दे देने से या उनको अंग्रेज़ी के 10 अल्फाज सिखा देने से क्या वो एजुकेटेड नहीं हो जाएंगे और आप अच्छी माँ नहीं बन जाएंगे। टाइम देना है, टाइम इज़ द एसेंस। इतनी ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपने अपने बच्चे को टाइम नहीं दिया और माहौल, हम ये कहते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चा, मैंने उस दिन मेरी बहन मुझे एक हदीस भी सुना रही थी कि 7 साल का बच्चा जो है वो बच्चा नहीं है, वो एक प्रॉपर मुकम्मल ह्यूमन बीइंग है, उसको सारी समझ है, उसको सारा कुछ पता है। तो हम 7 साल के बच्चे को बच्चा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम किस तरह से इस बच्चे को, जो इनकलकेट हो जाएगा वो 7 साल में वो रह जाएगा। तो आपकी ये ज़िम्मेदारी है एज अ पेरेंट, चाहे आप बाप हैं चाहे माँ हैं, आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप खुशगवार माहौल में अपने बच्चों को रहने की कोशिश करें। और ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कंप्लेन ही सुने कि सुबह से लेकर रात तक अम्मी का, हम सिखाते हैं टाइम मैनेजमेंट, हम सिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। अगर किसी को भी श्रेया पर आपके चैनल के थ्रू कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल हेल्प देम टू ऑर्गेनाइज देयर टाइम सो दैट
उनको अपने जब उनके बच्चे आए तो उन्हें क्या करना है और किस तरह अपने घर का माहौल तो हम खुश रख सकते हैं ना, तो उस घर के माहौल को खुश रखने के लिए किस तरह हम टाइम मैनेजमेंट करें, किस तरह हम वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स यूज़ करें जिससे आपका बच्चा जब घर आए तो वो कहे कि मैं घर आया हूँ, एक मकान में नहीं आया हूँ। बड़ा फ़र्क है एक मकान के अंदर दाखिल होना और एक घर के अंदर दाखिल अच्छा होना। जी ब्रेक आ चुकी है, हम ब्रेक से वापस आएंगे और मुझे शायस्ता से एक सवाल आते ही यही पूछना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मकान एंड घर, वो तो एक ही चीज़ होती है, तो आके फिर आप मुझे बताइएगा कि शायस्ता कह रही है दो अलग चीज़ें मकान और घर, तो पता करेंगे कि क्या अलग है इसमें। ठीक है, स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग। जी वेलकम बैक। जी देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और ये देखें कितने ज़बरदस्त है हमारी चंकी स्ट्रॉबेरी मूस, और यहाँ पे मैंने अपना ये बंद कर दिया है शीरे को, ये देखें थोड़ा सा गाढ़ा होना चाहिए, देखें इस तरह को, एक तार नहीं है अच्छा, बट 10 मिनट मैंने पकाया है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, इसलिए थोड़ा सा गाढ़ा होगा जब मैं इसमें एक कप अर के गुलाब डालूँगी तो वह पतला हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें जा रहा है रेड कलर, बहुत ज़्यादा नहीं, इतना डालें कि जो बाज़ार में आपको शरबत मिलते हैं उस कलर का हो जाए। रेड फूड कलर, एडिबल है ये, खा इसको आप पी सकते हो। एक कप अरके गुलाब, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। ये देखें अब ये ठंडा हो जाएगा, मेरे पास यहाँ फनल रखा हुआ है, इससे मैं अपनी बॉटल को फिट कर लूँ। ठीक है, और बाहर पड़ा रहे कोई ख़राब नहीं होता, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, स्टेरलाइज्ड बॉटल में भरिएगा। और स्टेरलाइज्ड कैसा करते हैं बॉटल, आपने अच्छी तरह बॉटल को वॉश किया, अवन ऑन किया बिल्कुल लो टेम्परेचर पे और बॉटल को अंदर डाल दिया, बिल्कुल नहीं फटती, जस्ट डोंट वरी, आधा पौना घंटा बिल्कुल लो अवन पे बॉटल पड़ी रहेगी और फिर आप अवन बंद कर दीजिए और एक घंटा उसी में पड़ी रहेगी, बेहतरीन स्टेरलाइज हो जाती है। एक तरीका ये है, या एक तरीका ये है कि आपने बहुत सारा पानी लिया एक पतीली में और उसमें बॉईल करते वक्त आपने बॉटल्स डाल दी, जब अच्छी तरह से बॉटल्स बॉईल हो गई आपने उसको निकाला पानी में से और फिर ओवन में डाल दिया उसको ड्राई करने के लिए, वो भी तरीका है। ठंडा होगा मैं भरती हूँ। ठीक है जी शायस्ता, क्या फ़र्क है मकान में और घर में, आप बताएं मुझे क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल से तो एक ही चीज़ है भाई, मकान भी हमारे ही है, घर भी हमारे ही है। मकान चार दीवार होती है और घर वहाँ होता है, लोगों से घर बनता है और मकान जो है वो चार दीवारी से एक मकान बन जाता है, लेकिन उस मकान को घर बनाना लोगों का, लोगों से भरता है। आज हम जो फैमिलीज हैं, अगर मैं आपको एक छोटा, आई डोंट नो कितना टाइम है हमारे पास, लेकिन 5 मिनट्स तो बहुत थोड़े हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आजकल जो है जितने घर जो मैं देखती आ रही हूँ वो घर मकान बनते जा रहे हैं, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा अटैच हो गए हैं ये सोशल मीडिया से कि फ़ोन के बगैर ज़िंदगी, मतलब आप मोबाइल में आए फील, हमारे बच्चे बच्चे बड़े सब कोई हर बंदे के हाथ में, मैं वही आपको कहने की कोशिश कर रही हूँ कि आप मोबाइल को तो चार्ज करते हैं, अपने आप को कैसे चार्ज करें? आपको खुशी चाहिए तो आपको डिसकनेक्ट होना पड़ेगा दुनिया से और सिर्फ अपने आप को चार्ज करें। जब आप अपने आप को चार्ज करेंगे तो खुद ब खुद आपकी सोचने की सलाहियत बेहतर हो जाएगी। यू नीड टू डिसकनेक्ट फ्रॉम व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड यू, और उसके लिए सबसे पहले होना होगा आपके मोबाइल से दूर, नहीं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा नहीं, शुरू करें, ये थेरेपी की तरह यूज़ करें, 5 मिनट के लिए आप शुरू करें, 5 मिनट आप रोज़ 5 मिनट इससे दूर हो जाएं। अल्टीमेट गोल इज़ 30 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र, और माशाल्लाह से आपा बहुत अच्छी लग रही है आज आप। थैंक यू। और आपा दूसरे मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। जी दीजिए। ये ना हफीज जालंधरी ने लिखा है 1952 में, ठीक है, और इसके अलावा इसके म्यूजिक तैयार किया था ना वो अहमद जी छागला ने किया था, ठीक है, और ये हमारा तराना पहले बन गया, मतलब तराना बाद में बना है, म्यूजिक इसका पहले तैयार हो गया, ठीक है, जबकि इसको एडॉप्ट किया गया 1954 में,
ठीक है जी। और उसके अलावा जो था ना, ये अहमद रश्दी ने सॉन्ग गाया था ये। ओके ओके, थैंक यू, आपने पूरी इन्फॉर्मेशन सही निकाली है। ठीक है जी, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। चिकन गोजोंस अज्जा, चिकन फिंगर्स स्ट्रिप्स आधा किलो, मैदा आधा कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर आधा चाय का चमचा, अंडे फिटे हुए 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन पाउडर आधा चाय का चमचा, अमेजान चीज 2 खाने के चमचे, लहसुन चॉप्ड 1 खाने के चमचा, स्वीट चिली सॉस 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राइंग के लिए। तरकीब, चिकन फिंगर्स स्ट्रिप्स को सीजन फ्लावर में कोट करें, फिर फिटे हुए अंडों में डिप कर लें, फिर ब्रेड क्रम्स में काली मिर्च और नमक छिड़कें और स्ट्रिप्स को ब्रेड क्रम्स में कोट करें और गर्म तेल में डीप फ्राई कर लें। आखिर में ऊपर से चिकन पाउडर, लहसुन पाउडर और पामेजान चीज़ छिड़क कर स्वीट चिली सॉस के साथ सर्व करें। चंकी स्ट्रॉबेरी मूस अज्जा, कुटे बिस्किट्स 2 कप, स्ट्रॉबेरीज चॉप्ड 2 कप, भीगा जेलेटिन 1 खाने का चमचा, क्रीम 400 ग्राम, स्ट्रॉबेरी जेली 1 पैकेट, कंडेंस्ड मिल्क 3/4 टिन। तरकीब, जेलेटिन को 1/4 कप पानी में हल कर लें, फिर बिस्किट्स चूरा करके ट्राइफल डिश में फैला दें, उसके बाद क्रीम फेंट कर स्ट्रॉबेरी जेली, कंडेंस्ड मिल्क, स्ट्रॉबेरीज और हल किया हुआ जेलेटिन डालकर अच्छी तरह मिक्स करें और चूरा किए हुए बिस्किट्स में शामिल करके सेट होने दें। आखिर में क्रीम और फ्रेश स्ट्रॉबेरीज के साथ डेकोरेट करें। गुलाब का शरबत अज्जा, चीनी 750 ग्राम, पानी 1.5 गिलास, अरके गुलाब 1 कप, खाने का लाल रंग 1/4 चाय का चमचा। तरकीब, चीनी और पानी को 10 मिनट पका लें, जब हल्का गाढ़ा हो जाए तो 1 कप अरके गुलाब और खाने का लाल रंग शामिल करके मिक्स करें, आखिर में ठंडा करके बोतल में भर दें। गुलाब का शरबत अज्जा, चीनी 750 ग्राम, पानी 1.5 गिलास, अरके गुलाब 1 कप, खाने का लाल रंग 1/4 चाय का चमचा। जी जनाब, वेलकम बैक, गुलाब का शरबत आपके सामने हमने बनाया और थोड़ा सा मैंने बना के रख भी दिया ताकि आप इसको पानी के साथ हल करें और विद लॉट्स ऑफ आइस इन इट। धूप में से आ रहे हैं, शॉपिंग से आ रहे हैं, अभी इंशाल्लाह 9वीं और 10वीं का आप रोज़ा रखिएगा ज़रूर, सैटरडे और संडे का, बिकॉज़ देखें हमें ये 8वीं ज़िलहज और 9वीं ज़िलहज का, बिकॉज़ हमें पता नहीं है कि वहाँ पे तो 9 ज़िलहज सैटरडे को है ना और हमारे पास संडे को है, तो बेहतर है हम 2 रोज़े रख लें, तो उस दिन आप बना के पिए इफ्तार पे और फिर हमें दुआ में याद रखें। बहुत मज़े का शरबत है वैसे, मैं आपको बताऊं, बिकॉज मैं इतना मीठा पसंद नहीं, लेकिन बहुत मज़े, वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी गुड, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, देखें देयर इज नथिंग टू इट। ठीक है शाइस्ता, थैंक यू सो मच, बट दिस वॉज नॉट इनफ, यू हैव टू कम वंस अगेन इंशाल्लाह। जस्ट अ लिटिल नोट बिफोर आई लीव इज दैट हमें we have to learn to make happiness our daily decision. आप रोज़ सुबह उठ के अपने आप को कहना है कि दुनिया का कोई भी मसला अगर है तो होने दें, लेकिन आप अंदर से खुश तो सब कुछ। यही था मसला है ना, ये नहीं हो सकता, हो सकता हो बिल्कुल, आप एक दफ़ा सो, आप खड़े हो शीशे के सामने, सब चीज़ को भूल जाएं, नहीं घर में 1000 चीज़ें नहीं, भूलना नहीं आपने, आप सिर्फ अपने देखें, अगर आप नहीं हैं तो ये चीज़ों के क्या मायने, खुदा ना खास्ता, देखें ये जिंदगी मतलब आई नो हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं हैं तो चीज़ों की क्या वैल्यू, हमें तो आपकी ज़रूरत है, और आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो आप आगे प्यार नहीं दे सकती। नहीं वो मैं देती हूँ, नहीं दे सकती आप जस्टिस नहीं कर सकती, आपको टू मेक योर सेल्फ हैप्पी यू हैव टू मेक दिस डिसीजन कि कुछ भी हो जाए मैंने आज खुश रहना है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सास ने मारा, बीवी के सिर झगड़ा हो गया, वो हो गया, आपने कहना है मैं क्या कर सकती हूँ जिससे मैं खुश रहूँ। थोड़ा सा आपको सेल्फिश होना पड़ेगा यहाँ और आप देखेंगे कि खुद ब खुद रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा शायस्ता, आपकी कोई वेबसाइट या आपका कोई पेज जिस पे लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें? जी मेरा फेसबुक पेज है शायस्ता अली के नाम से ही है, और मेरी वेबसाइट है www.globalallegiance.com, वहाँ पे आपको सारी www.globalallegiance.com
allegiance.com. So यहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. And if I can be of any help through you, if they come, they're more than welcome. ठीक है जी, तो ज़रूर आप लोग शायस्ता से करिए. आज की हमारी विनर हैं जिन्होंने हमें पूरा शजरा बता दिया था इसका, हमारे सवाल का, नेशनल एंथम का कंपोज किसने किया, कब हुआ, म्यूज़िक पहले आया, कौन था वो यास्मीन थी. बहुत बहुत मुबारक हो यास्मीन आपको. चंद ही दिन में आप आ जाइएगा, आफ्टर ईद आके अपना तोहफा लेके जाइए. ईद के एक हफ़्ता 10 दिन बाद आके आप ये ज़बरदस्त सा डीलक्स ब्लेंडर और ग्राइंडर आपने जीता है, ये आप आके हमारे हम नेटवर्क के ऑफिस से IIT चुजविगल रोड पे ले जा सकते हैं, कॉल करके आइएगा. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो, फॉर अप्रिशिएटिंग. शायस्ता, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माई शो. यू आर ऑलवेज वेलकम. और this was not enough, this dose was not enough for all of us. Inshallah फिर आपको जहमत देंगे. And जब next time हम आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि कुछ खाने ऐसे हैं जो आप अगर खाएंगे तो उससे भी आप हैप्पी रह सकते. Really? एक दो बता कुछ दे जल्दी से. कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिससे आपको वो आपके जो है अंदर जो हार्मोन्स हैं, हैप्पीनेस हार्मोन्स को उसका, एवोकाडो है, बनाना है, फ्लैक्स सीड्स हैं, सैमन फिश है, बहुत सारे हैं. फ्लैक्स सीड्स, आई टेक दैट एवरी डे अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जी, तो ये चीज़ें आप शुरू करें, फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर शायद को बुलाएंगे और फिर आपसे मज़ीद बातें करवाएंगे इंशाल्लाह. आई होप दिस ऑल हेल्प्स अस एंड वी कीप आवरसेल्व्स रिलैक्स्ड इंशाल्लाह. टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ हैप्पी वीकेंड, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.